नहीं आप कविता पढ़िए, पर कविता पढ़ते पढ़ते तिरछी नजर से मेरी तरफ ना देखें, क्योंकि मुझे ये सब जानते हैं, मेरे बड़े पुराने परिचित लोग हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और तकलीफ इसलिए होती है मेहता जी कि किसी की मोहब्बत का मारा नहीं हूं, भटकता हुआ कोई सितारा नहीं हूं, और ये तिरछी निगाहें कहीं और मारो, मैं शादीशुदा हूं, कुंवारा नहीं हूं। ये शादीशुदा है, कुंवारे नहीं है। चलिए, लेकिन आपकी इन तालियों में मुझे इनका उत्तर सोचने का मौका मिल गया। लेकिन मेरा मतलब ये कि आप इनका मत बोलिए मुझे, इनका, ये तो अजी, मुझे भगवान कसम अपने घर की याद आने लगती है। और वैसे भी बता दूं आपको, ये मेरी सगी पड़ोसन है उज्जैन में, मेरा मकान नंबर है 46 गोवर्धन धाम, इनका मकान नंबर है 47 गोवर्धन धाम, तो हम लोग सगे पड़ोसी हैं। भगवान बचाए ऐसे पड़ोसियों से। भाटी जी, कुदरत के पहलुओं का एहतराम करो, और तेज धूप को खुशनुमा शाम करो, और प्यार मोहब्बत की बातें जवानी में अच्छी लगती है, इस उम्र में आप सिर्फ राम राम करो। देखिए, मैं ना प्रेम मोहब्बत की बात करने में पीछे हूं, ना भगवान की बात करने में पीछे हूं। मैं, इन्होंने कहा है तो मैं क्या क्या बन सकता हूं, मेरा मतलब यह है कि जो आदमी धार्मिक हो, मैं धार्मिक बनूं तो भगवान राम बन जाऊं, और धार्मिक नहीं बनूं तो शाम को जो पीते हैं वो जाम बन जाऊं, केवल इतना कर सकता हूं। आशी पटेरी लिया तो तुम बोलो तो तुम्हारे लिए मैं बापू आशा राम बन जाऊं। ताली बजा दे रहे एक बार जोरदार। ज्यादा आसाराम को मत याद कीजिए, वह आसाराम और टुंडा दोनों जोधपुर की जेल में फंसे हुए हैं, और राधे माँ के आने से उनकी तो चांदी ही हो गई है। तो ऐसा है कि बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, और कहने को तो कुछ भी कह दे मगर हम घरानों की शान रखते हैं। वाह 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 वाह, ये आपकी बात है, पर मैडम हमारी भी सुन लो आप, कि आंखों की में जाम, लबों के हुस्न का साया घर में है। आंखों की में जाम, लबों के हुस्न का साया घर में है, और बाहर हम क्यों जाएं पीने जब मैखाना घर में है। मुड़ के मैं, मुझे घर में मैखाना मिल रहा है तो मैं नहीं, घर में मैखाना मिलता है, पर कभी कभी हम कलाली पे भी जाते हैं, मतलब देशी दारू की दुकान। ये आप जैसे कलाली वालों के लिए किसी ने ऐसा कहा है कि रास्ता बंद है तो फिर आता कहाँ से है, रास्ता बंद है तो फिर आता कहाँ से है, और जो आ ही जाता है तो फिर जाता कहाँ से है, और 3 दिन से बंद है दारू की दुकान फिर भी टुन्न है, लाता कहाँ से है। वाह वाह। ऐसा है कि मैं अपनी बात को सबको नहीं जताता हूँ, मैं महुए की दारू है घर पे खुद ही बनाता हूँ। और दोस्तों, ये इन्होंने देखो ये कहा कि मैं जवाब में 4 पंक्तियां अशोक भट्टी को देती हूँ, 4 पंक्तियां यहाँ के नौजवानों को देती हूँ। रमेश जी, जब इन्होंने कहा भोरा जी कि 4 पंक्तियां अशोक भट्टी को देती हूँ, तो मेरा शिल्प देखें, मेरी ये पंक्तियां कई दोस्तों के साथ यात्रा करती है, आज खुद मुझसे सुने, जिसे हिंदी में कहते हैं दारू उसे अंग्रेजी में वाइन कहते हैं, और पीकर जो नशा आए उस नशे को बहुत फाइन कहते हैं, और राशि तुम कहती हो कि मैं अशोक भाटी को पंक्ति देती हूं, पंक्ति देती हूं। मैडम, पंक्ति को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। कमाल है, इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि अशोक भाटी को लाइन देनी पड़ रही। तो अशोक भाटी जी, अब आप सुन भी लो, अशोक भाटी बोल लो, भाटी में जी क्यों लगा रही हो, आप कहो तो अशोक बोल दूं जी। वाह वाह वाह, बोलो राशि। कि हर जलती हुई चीज को कोल्ड कर दूंगी। हाय हाय हाय, वाह वाह, हर जलती हुई चीज को कोल्ड कर दूंगी, और जिसको छू लूं उसे गोल्ड कर दूंगी। वाह वाह, जिसको छू लूं उसे गोल्ड कर दूंगी, और मारी होंगी तुमने सेंचुरियां कई मगर एक स्पिन बॉल से क्लीन बोल्ड कर दूंगी। तालियां, वाह 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 वाह। दोस्तों, आप लोगों ने तालियां तो बहुत बजाई राशि की बात पर मैं जो जवाब दे रहा हूं, मेरा दावा है कि 3 गुनी ताली बजेगी इस बात पर। राशि, मैं चांदी हो सकता हूं, गोल्ड हो सकता हूं, मैं चांदी हो सकता हूं, गोल्ड हो सकता हूं, वार्म हो सकता हूं, कोल्ड हो सकता हूं, और भगवान की कसम इतनी सुंदर बालर मिले तो मैं एक ही पारी में 3 बार गोल्ड हो सकता हूं। एक पारी में 3 बार बोल्ड होने वाले अशोक भाटी,
और मेरे अंपायर अब्दुल गफ्फार साहब है, फिर भी मुझे वो नॉट आउट बताएंगे। नहीं, अब सुन लो, आप इसका भी जवाब सुन ही लो कि दिलों से दिल मिलाओ तो दिल मिलते हैं। वाह वाह, दिलों से दिल मिलाओ तो दिल मिलते हैं, फूल जब भी खिलते हैं चमन में खिलते हैं, और बोलने के पहले सोचना बहुत जरूरी है, टूटे हुए मकानों के किराए नहीं मिलते हैं। वाह वाह वाह, ऐसा नहीं है हर मामला हम सेट रखते हैं, टूटे मकान नहीं, बहुत शानदार फ्लैट रखते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा ये सब बातें होगी, एक चार पंक्तियों में इनका जवाब देती हूँ और फिर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ कि चित्र अच्छा हो तो आकृति बचाए रखना। वाह, चित्र अच्छा हो तो आकृति बचाए रखना, इस दौर में जीना हो तो प्रकृति बचाए रखना। और ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन मंच जिंदा रखना हो तो संस्कृति बचाए रखना। अच्छा है, वाह। और चलिए अपनी मूल विधा पर आती हूँ, चार चार पंक्तियों से आपको अपनी गजल और गीतों से जोड़ना चाहती हूँ। जी, स्वागतम। सुनिएगा, प्रेम की बात है, मोहब्बत की बात है, काफी नौजवान बैठे हैं, भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं, अभूतपूर्व नौजवान बैठे हैं। वाह वाह वाह, तो अपने दिल में उस प्यार को महसूस कीजिएगा। जितने पति आए हैं, ये आपने बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि जेंट्स और लेडीज को सेपरेट, ताकि खुल के हंस सके। तो कुछ समय पहले मैंने सुना लोकेश ने एक कुछ कहा था कि एक कुंवारा और दूसरी कुंवारी मिली, दोनों मिलके कुंवारा बनाओ, संघर्ष समिति नहीं बनानी है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक चिड़ा था एक चिड़ी थी, दोनों ने शादी की, दोनों चिड़चिड़े हो गए। अरे भाई, वाह वाह वाह, तो नहीं, नहीं, चिड़चिड़े हो गए, उनके कई चिड़े हो गए। तो मंच पर चार चांद बैठे हुए हैं, तीन चांद के बीच में एक चांदनी है, और चांद जो बैठे हुए हैं, तो पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार दो स्त्रियों को होता है, पत्नी और माँ। तो माँ जब हाथ फेरती है, हाँ, चलो चलो, बोलो, बोलो। बाल बढ़ने लगते हैं, हाँ। और पत्नी जब हाथ फेरती है तो ऐसे होने लगते हैं, और इनको देख के तो ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले ने हाथ साफ किया हुआ है। इस बात पर रमेश मेहता जी ने और एमजी भोरा ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि दोनों के सर पर बहुत घने बाल है, लगता है घर पे भी अभी तक ठीक से हाथ नहीं फिरा है। भाभी जी साथ में ही बैठी है, आप बोरा जी को कुछ नहीं बोलोगे अभी। मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा ताकि